मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। आज का जो हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे है, जो पिछले 2.5-3 साल से रेगुलेशन पॉलिसी का स्टैंड क्लियर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने जो 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपकी रेगुलेशन पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा और उसको करीब 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई कम्युनिकेशन आज तक हमें नहीं आया। जो हमारे साथ रविंदर रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी जो 2 आदमी हमारे साथ ग्रंटर बन के गए थे, जिनके कहने पे हमने ये उस टाइम ये 48 दिन का जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था वो हमने उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम एलजी साहब के पास आपको ले चलेंगे और आपकी डीडीसी इलेक्शन के बाद हम लोग गारंटी बनते हैं, आपका ये काम जो रेगुलेशन पॉलिसी का पेंडिंग वेजी का या और छोटे छोटे इशू हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन सभी तरफ से हमें निराशा मिली, चाहे रविंदर रैना जी 1.5 साल से हमें कह रहे हैं कि आपको एलजी साहब के पास दोबारा ले चलेंगे, तो ना वो एलजी साहब के पास ले गए। उसके बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं ये पाप की गारंटी है, तो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को कहना चाहते हैं इन पाप की गारंटियों ने आपको 2 बार जिता के पीएमओ में भेजा है, नहीं तो आप कहीं प्रैक्टिस करते होते। और आप जो हमारा पक्ष जो हमारा एक वकील बन के आपने हमारे केंद्र से बात करनी थी वो आप नहीं कर रहे, और उल्टा मीडिया अगर आपको कोई बात इसके मतलब पूछता है तो या तो आप शीशा गाड़ी का बंद कर लेते हो या आप चुपचाप निकल जाते हो। तो ऐसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। 20 तारीख तक अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम रेगुलेशन पॉलिसी पे स्टार्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो 20 को हमने जैसे हमारे बाकी साथियों ने एक फैसला लिया है कि केंद्रीय राज्य पीएमओ मंत्री जो उनके घर का घेराव किया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से हम उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें मिलने का टाइम नहीं दे रहे, तो हमें यही तरीका उनसे मिलने का, ऐसे तो ये मिलते नहीं है। तो यही हमारा आपसे आपके कहने से स्टैंड है कि सरकार अगर 20 को तक हमारा रेगुलेशन पॉलिसी पर स्टैंड क्लियर कर दिया तो हम लोग कोई ऐसा उग्र प्रदर्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो, नहीं तो 20 को हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव होगा।